भैया ये अपनी अबलग घोड़ी है ना जी भाई। भैया उम्र में कितनी होगी ये अभी? 6.5-7 साल की घोड़ी भाई। 6.5-7 साल की, तो ये तो मेरे को लगता है नई ली दिखती है आपने। ये हाँ हमारे पास हो गए भाई 4-5 महीने इसको आए। 4-5 महीने यानी लॉकडाउन में लिए क्या? नहीं हाँ लॉकडाउन जब इस वाला लॉकडाउन से पहले ली थोड़ा सा। इस वाले लॉकडाउन से पहले। और हाइट में कितनी होगी अगर हाइट की बात करें? हाइट ये 65+ है। 65+। तो अबलग की मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या बात है? देखो जिनको शौक है भाई, मेरे पास 3 अबलग थी, अभी एक बेची है मैंने, या हैप्पी भाई हमारे दोस्त उनके पास 9-10 अबलग है। तो जिनको शौक अबलग का वो तो रखते कॉम्बो बैग है। हाँ उनके पास कॉम्बो है, वो काफ़ी स्टॉक रखते हैं, ज़्यादा स्टॉक रखते हैं। तो जिनको शौक है वो तो अबलग रखते हैं। तो भैया अबलग का मार्केट कैसा चल रहा है? अगर अबलग के मार्केट की बात करें तो अबलग भी बहुत महंगा है क्या? हाँ भाई मारवाड़ी के बराबर ही है इसका रेट वगैरह सारा कुछ। और सबसे मेन बात है इसमें मजबूती ज़्यादा है। क्या है? मजबूती ज़्यादा है। अच्छा, मजबूती ज़्यादा है। स्ट्रक्चर बहुत हैवी होता है। मेरे को लगता है इसके सूम भी घोड़े जैसे है ना। हाँ। और उसके बाद राइडिंग के लिए बहुत परफेक्ट है ये घोड़ियाँ। अच्छा राइडिंग करते हैं? हाँ राइडिंग करते हैं भाई, हमने तो बेसिकली राइडिंग के लिए ली थी वहाँ से चित्तौड़गढ़ से। ये समीर खान भाई हैं हमारे दोस्त, उनके घर से आई हुई है। तो भैया बारिश में क्या दिक्कत आती है घोड़ों को मेंटेन करने में? देखो भाई 10 महीने किसी घोड़े को कोई दिक्कत नहीं है, साल में टोटल 12 महीने होते हैं। और ये सावन और इसके आगे वाला महीना जो भी दिक्कतें आनी है, या इससे एक महीना पहले आएगी या एक महीना बाद में, ये मतलब 2-3 महीने ही खतरनाक होते हैं घोड़े के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पंजाब में, मैं पंजाब का बता सकती हूँ कि यहाँ पे चावल की खेती होती है पंजाब, तो पानी वगैरह बीच में खड़ा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण फिर घोड़े को हर चीज़ में दिक्कत आनी, पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, कॉलिक की दिक्कत आने लग जाती है, गर्मी के कारण पानी कम हो जाता है, काफ़ी दिक्कतें आती घोड़े को। ये 2 महीने अगर हम संभाल के घोड़े को तो उसके बाद 10 महीने कुछ नहीं होगा घोड़े को। तो गर्मी का भैया घोड़ों पर फर्क पड़ता है क्या ज़्यादा? बिल्कुल हर चीज़ पे पड़ता है, इंसानों पे। आपका शायद मेरे को लगता है एक बार शायद एक बच्चा वो गर्मी से ख़त्म हुआ था हमारे। हाँ हमारे हमारी घोड़ी थी एक चैंपियन घोड़ी थी बछेरी हमारे पास। हाँ वो गर्मी के कारण छूट गई थी पिछले साल। ओके। हाँ ज़्यादा अच्छी घोड़ी थी वो, यानी खाली गर्मी के कारण थी बस। वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हमने 3-4 दिन कमरे से नहीं निकाली तो उसको पीलिया हो गया था, पीलिया के कारण फिर बची नहीं थी वो। यानी घोड़ा घोड़ी अगर रखते हो तो मेरे को लगता है कि उनके बराबर हवा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हर रोज मेरे हिसाब से एक बार घोड़े को निकालना जरूर चाहिए कमरे से। कमरे से अगर कमरे में रुके रहेंगे, अकेला दाना खाते रहेंगे तो भी दिक्कतें हैं। एक बार चाहे आधे किलोमीटर के लिए राइड कर लो या निकाल के घुमा लो तो घोड़े को दिक्कत। घुमाओ जरूर। वे इसका नाम क्या रख रखा होगा अभी? इसका नाम है राजरानी। राजरानी। हाँ जी हाँ। और बाप कौन है इसका? इसका बाप भाई लोग तो बोलते हैं भूतनाथ। भूतनाथ। हाँ भूतनाथ घोड़ा था पैलेस लाइन का। हाँ ये वो इसका बाप है, लेकिन हमारे कौन सा घर पे पैदा हुई है। हाँ तो इसलिए हमें तो कोई कन्फर्म नहीं है, श्योरिटी करना बहुत मुश्किल है। हाँ मैं तो अननोन ही बोलता हूँ, जो भी बंदा पूछता है अननोन लाइन की घोड़ी है पर है तो किसी न किसी लाइन की है ना भाई, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह खाली बाप का नाम नहीं पता इसलिए अननोन है। मेरे को कंफर्म है किस घोड़े की है, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ कि भाई ये इस घोड़े की है, बाद में उसके लिए 10 क्वेश्चन आंसर और देने पड़ेंगे मेरे को। का स्ट्रक्चर देख के हमने घोड़ी परचेज की है, ठीक है जी। इतनी बड़ी घोड़ी पंजाब में 1-2 घोड़ियाँ होंगी जो 65 की होंगी अबलग में, यानी पेट का साइज भी बहुत ज़्यादा है ना, और लेंथ वगैरह हर एक चीज़ मतलब प्लस है इसमें, घोड़े वाला सिस्टम है सारा। भैया एक बार दूसरी साइड से दिखाना है। अभी प्रेग्नेंट है क्या भैया किसी? अभी हाँ ये प्रेग्नेंट है, समीर भाई के पास एक घोड़ा शान का। ओके। उससे अभी 5-6 महीने की प्रेग्नेंट होगी 6 महीने की होगी। पेट का साइज बहुत ज़्यादा है ना। हाँ बहुत बड़ा पेट है भाई। तो इसने भैया पहले बच्चा दिया हुआ है कोई? इसकी एक अबलग बच्ची वहीं पे खड़ी है चित्तौड़गढ़ में भाई, समीर भाई के पास। हाँ समीर भाई के किसी दोस्त के पास है। तो वो हाइट में कितनी होगी भैया अभी? वो अभी होगी 17-18 महीने की, 62-63 के करीब है। 62-63 के? बहुत बड़ी बच्ची है, वो बेचते नहीं है, बहुत पैसे लगे उनको। ओके। क्योंकि अबलग मार्केट में थोड़ा सा कम है तो लोग अबलग का स्टॉक कर रहे हैं। हाँ अबलग अगर कुछ भी रखना ना भैया, दाना उतना ही खाते घोड़े, चाहे अच्छा रख लो चाहे बुरा रख लो। बुरा तो नहीं चलो हम बोल सकते, अगर अच्छा जानवर रखोगे तो अच्छा नाम बनेगा।
तो अच्छा ही रखना चाहिए फिर। तो भैया जैसे एक घोड़ा घोड़ी की अगर बात करें दाने की, तो कितना दाना खा जाता होगा? कुछ नहीं खाते भाई घोड़े। चलो आपने कभी गणित नहीं लगाया होगा, पर ये गणित नए लोगों के लिए। गाय भैंस से कम खाते हैं ये, गाय भैंस तकरीबन हर बंदा अफोर्ड कर लेता है कि हमने रखना, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, तो गाय भैंस से कम खर्चा इनका। यानी मान के चले अगर पैसों की बात करें तो 5-6 हज़ार रुपये? नहीं, 5-6 हज़ार रुपये किस चीज़ पे लगेंगे भाई, वो तो झूठ है ना यार सारा। हम सारे फार्म का टोटल खर्चा मिला के मानते हैं। जैसे आपके फार्म का पूरा फार्म का क्या खर्चा? दो लाख के करीब खर्चा होगा, और तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए क्रॉसिंग की फीस आ जाती है। हमें पैसे बचते हैं। अच्छा, 1.5 लाख रुपए बचता है, ठीक है ना, हमारी जेब से कभी नहीं लगा। यानी फार्म वालों की जो जेब से पैसा कम ही लगता है, जिनके पास मेन घोड़ा है, खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं, हमारी कोई परेशानी नहीं। हमें हमारा तो नाम बड़ा कर रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए कभी गणित लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। हिसाब लगा के घोड़ा रखा ही नहीं जाएगा भाई। तो लॉकडाउन में भैया कवरिंग के लिए आती थी घोड़ियाँ? हाँ, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कवरिंग की होगी हमने, क्योंकि बाकी घोड़े बंद हो गए थे। हाँ, तो हमने तो पूरा खुला रखा सिस्टम। अच्छा, उनके यहाँ कोरोना था इसलिए है? उनके कोरोना था, या फरीदकोट नहर के पास नहीं आया कोरोना, बाकी दूर दूर रहा। हम कोरोना से बचे। नहर से डर लगता है कि उसको नदी में ना गिर जाए। कोरोना यहाँ पे नहीं आया, हमारे पास हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, सभी जगह से लोग आते थे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? ना, कोई दिक्कत नहीं आई, किसी को भी नहीं आई, परमात्मा की कृपा। थैंक यू जी। थैंक यू भाई।